अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि स्केचअप में 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3D ऑब्जेक्ट आ गया, इसके ऊपर अभी बिल्कुल भी कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ। तो अभी हम जाएंगे मटेरियल्स में। ये देखें, हमारे पास राइट पे मटेरियल का ऑप्शन है और इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल पड़े हुए हैं। हम इसको ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसको ओपन करते हैं। हमारे पास 3D प्रिंटिंग, एस्फाल्ट एंड कंक्रीट, ब्रिक क्लैडिंग और कलर्स, ग्लास, मतलब लैंड, हमारे पास तकरीबन सब कैटेगरीज के मटेरियल हैं। और अभी हमने यहाँ पे मटेरियल करना है, तो अभी हमारे पास ये सामने एक स्विमिंग पूल है और ये पीछे बिल्डिंग है, इसको हम मटेरियल देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल है तो जैसी बात हम यहाँ पे वाटर करेंगे। तो वाटर को हमने सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस से लेफ्ट क्लिक करके हमने ये जो फेस है, ये हमारे पास वाटर वाला मटेरियल आ गया। और इसके बाद हमारे पास ये बिल्डिंग है, हम कलर्स में जाते हैं। सिंपली हम कलर्स में आ गए और यहाँ पर हम कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कलर्स आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं जनाब, हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास, और हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और इन फेसेस के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं। और फ्रंट के ऊपर हमारी ये विंडोज हैं, हम विंडोज हैं तो इनके ऊपर भी हम ग्लास कर देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास है ग्लास, ग्लास एंड मिरर, इसको हम करते हैं। यहाँ पर हम ग्लास का मटेरियल दे देते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास ग्लास का है। अभी ये साइड वाले जो एक पिलर से हैं, इनको हम वुडन कर देते हैं, वुड में आ जाते हैं और वुडन में हम ये वाला टेक्सचर ले लेते हैं। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट दिया है कि आप स्केचअप के अंदर किसी भी 3D मॉडल को टेक्सचर कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें मटेरियल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम खुद से टेक्सचर बना भी सकते हैं और उनको अप्लाई भी कर सकते हैं और उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, उसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं, उसकी रोटेशन वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं और उसके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडिट पे आके यहाँ से ये देखें, इसकी लाइट, इसका कलर, हम अपने हिसाब से हम इसको सारा चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि स्केचअप में मटेरियल कैसे अप्लाई होते हैं 3D मॉडल पे। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।